सो ये वाला सिचुएशन बाइकर्स के लाइफ में बहुत ही कॉमन होते हैं। हम लोग अपना घर से निकला होते हैं फ्रीली कहीं जाने के लिए, एंड तभी हम लोग को याद आते हैं कि हम लोग का हाथ में है एक सामान जो ना हम लोग का बाइक में फिट आते हैं ना हम लोग का पॉकेट में फिट आते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑब्वियसली एक सामान के लिए हम लोग को फिर से बैकपैक पहनना पड़ता है, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इसके बाद जो है हम लोग का बाइक राइड जो है फ्री नहीं रह जाता है, और इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन को हम लोग किस टाइप से दूर कर सकता है? सो उसके लिए मेरा पास है एक अल्टीमेट सोल्यूशन। ये चीज़ जो है हमने अमेजोन से मंगाया था ऑनलाइन, हमारी आपको दिखाएगा, अनबॉक्सिंग तो पहले ही कर दिया था। सो ये बेसिकली है एक टैंक बैग फ्रॉम गार्डियन गियर्स, एंड सबको पता है कि अगर आपको सस्ता लेकिन अच्छा क्वालिटी का सामान चाहिए लगेज के लिए, देन गार्डियन गियर्स इज़ द बेस्ट। सो अभी ये हम लोग का इनिशियल इम्प्रेशंस कुछ इस तरह से है, और बैग को ऐसे एक बार आप पकड़ने से थोड़ा भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है इसका क्वालिटी में। बहुत ही अच्छा एंड प्रीमियम डिज़ाइन है इसका, और जो इसका चेन लुक का भी क्वालिटी जो है ये जो बहुत ही अच्छा है, जो कि ये अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है, वरना कोई कोई में अटकता बहुत है। सो बैग का सबसे आगे में मिलता है आपको एक ट्रांसपेरेंट सा पाउच, जिसमें आप अपना जो मोबाइल है उसको यहाँ में ऐसे करके रख सकते हैं, एंड आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। एंड ये वाला जो यहाँ से जो आपको दिया है, यहाँ से आप अपना चार्जर को यहाँ में लगा सकते हैं। एंड ठीक उसका आगे में हम लोग को मिलता है एक छोटा सा पोर्शन, ये काइंड ऑफ एक पाउच टाइप का है छोटा सा, यहाँ में आप अपना कुछ कुछ सामान इम्पोर्टेंट रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ये वाला कंपार्टमेंट को खोलेगा बेसिकली सी, तो यहाँ है आपका मेन कंपार्टमेंट आपका बैग का। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है एक टूनेटेड वाला पाउच, जहाँ में आप अपना पेपर्स लोग रख सकते हैं, एंड ये है हम लोग का मेन कंपार्टमेंट। सो यहाँ में आपको कुछ गार्डियन गियर्स की तरफ से पेपर्स मिलते हैं जो हम लोग का कोई काम का नहीं। एंड ये दो क्या सामान है हम आपको थोड़ा देर में दिखाएगा, बट उससे पहले ये है आपका मेन कंपार्टमेंट। ये बैग जो है 18 लीटर्स का है, बट अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही छोटा है, इसमें क्या ही सामान आ जाएगा। सो चिंता मत करो, यहाँ पे एक जिपर दिया है आपको, इसको आप यहाँ से खोल सकते हैं, एंड इसका स्टोरेज देखो अभी बढ़ गया। आगे इतना पतला था, अभी देखो डायरेक्टली इसका स्टोरेज जो है बढ़ गया। अब यहाँ पे तो आप देखो कितना सामान डाल सकती है इसमें। सो ये कुछ इस टाइप का बैग है, बहुत ही हैंडी बैग है। एंड अभी पीछे आने से यहाँ आपको मिल जाते हैं दो मैग्नेट, और यहाँ भी आपको दो मैग्नेट जो आपका टैंक का साथ लग जाएगा। ये वाला दो टाइप का बैग आते हैं, एक आता है यूनिवर्सल जो जिसमें मैग्नेट नहीं रहते, यहाँ पे कुछ स्ट्रैप्स होते हैं उसका मदद से आप अपना बाइक में बांध सकते हैं। एंड ये जो है मैग्नेटिक टैंक बैग है, ये जो जिस भी बाइक में अगर मेटल टैंक है उसी में सिर्फ काम करेगा और बाकी में नहीं करेगा। एंड अभी बात करते सबसे पहले ये क्या है, तो ये है एक रेन कवर, जैसे कि बारिश हो जाने से आपका ये सामान लोग को सेफ्टी में रखने के लिए इसको आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। सो ये आपका थोड़ा वाटरप्रूफ हो जाता है, एंड थोड़ा कलर भी इसका ब्राइट है सो दैट नाइट में विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस, ये आपका एक स्ट्रैप है जिससे आप इस बैग को लटका के चल सकते हैं। यहाँ पे आपको दो हुक्स दिया है, एंड बहुत ही सिंपल सा लॉक सिस्टम है, जस्ट ऐसे, और ये जो ऐसे। सो कुछ ऐसे करके ये जो आपका बैग जो है स्लिंग बैग टाइप से बन जाता है। एंड अगर आपको यहाँ से बुक में मन नहीं है तो यहाँ में भी आपको एक हैंडल दिया है, आप यहाँ से बुक सकते हैं। और अभी एक काम करेगा, इसको अभी हम लोग बाइक में टेस्ट करके देखेगा। सो अभी यहाँ पे है डोमिनर, ये डोमिनर 400 बाइक है, एंड ये बैग जो है इसमें नहीं लगेगा बिकॉज ये जो है फाइबर का बना है और यहाँ पे मैग्नेट से, इसके लिए एक यूनिवर्सल वाला लगाना पड़ेगा, बट फिर भी हम आपको दिखा देगा कि किस टाइप से लगाना है। जस्ट इसको आप ऐसे लगाना है, और जो ये मेटेलिक टैंक होगा वो इस मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, तो कुछ इस टाइप से आपको जो व्यू आएगा। अगर आप इसमें सामान फुल कर देगा तो तभी थोड़ा सा ऐसे बड़ा दिखाई देगा, एंड एज यू कैन सी थोड़ा भी बल्कि नहीं है, आप कंफर्टेबली जैसे बैठता था बाइक में वैसे ही नॉर्मली बैठेगा, ये आपको कुछ फर्क ही नहीं करेगा। उल्टा ये आपका जो है विंड ब्लास्ट को थोड़ा सा कम कर सकता है, आपका पेट में लगने नहीं देगा। एंड अगर डोमिनर में नहीं लगा देन देयर इज नो पॉइंट कि यहाँ ड्यूक में भी लगेगा, बिकॉज ड्यूक का भी जो है ये मेटेलिक नहीं है, फाइबर है, सो इसमें भी नहीं लगेगा, इसके लिए भी यूनिवर्सल लगाना है।
सो यहाँ पे है एक बाइक जो कि है पल्सर, एंड पल्सर में जो है आपको लग जाएगा बिकॉज इसका टैंक जो है मेटालिक है, जो देखो ये चुंबक जो डायरेक्ट यहाँ में आके इसमें ऐसे करके चिपक जाएगा, एंड सी ऐसे होते देखो, और ये बहुत ही अच्छा से बैठ गया, और इसका जो लाइक यहाँ में सामान रखने के बाद तो ये अच्छा से बैठेगा, एंड बहुत स्टर्डी है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है इसमें। सेम केस ये बुलेट में भी लग जाएगा बिकॉज उसका भी टैंक मेटेलिक है, एंड अगर आपको इसको निकालना है तो बहुत ही आसान है, कुछ हैसल नहीं है, बस ये दोनों को पकड़ो और ऐसे निकाल दो। जो यूनिवर्सल वाला में थोड़ा सा तकलीफ होता है उसमें क्योंकि बांध के रखा होता है, एंड सेम गोज यहाँ पे एवेंजर भी है तो इसमें हम नहीं जानते हैं, अभी देखिएगा। वो एवेंजर में लग जाता है तो सी एवेंजर में लग जाता है बिकॉज इसका टैंक भी मेटेलिक है। सो बजाज का दो बाइक में लग गया लेकिन एक में नहीं लगा, दैट इज डोमिनार। और एक एक्सपेरिमेंट मामूली सा करके देखिए, गाड़ी में चिपकता है, देखिएगा ये मेरा एक गाड़ी है, हाँ चिपकता है तो। सो अगर आपको बाइक नहीं है तो गाड़ी में से चिपका के रखो। सो एनीवेज ये वाला चीज़ जो है बहुत अच्छा है, एंड ये मेरा R15 में आराम से लग जाएगा क्योंकि मेरा R15 में जो है मेटेलिक टैंक है, V3 में नहीं लग सकते बिकॉज उसका कवर की वजह से वो फाइबर बन जाता है। सो इसका जो है एक थोड़ा बड़ा वाला वेरिएंट भी आता है 28 लीटर्स का, बट वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है बिकॉज मेरा बाइक जो है R15 है, एंड उसमें हम लोग थोड़ा लीन करके बैठते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ बल्किनेस आने का चांसेस होता है, इसलिए हमने यही लिया, ये मेरे लिए एक परफेक्ट साइज़ है। इससे एक छोटा वाला वेरिएंट भी आता है जो है आपको एक पाउच आता है जो इससे इतना छोटा होगा, आपको इतना साइज़ का आपको मिल जाएगा, वो जैसे आपको साइज से कैरी करने के लिए है, वो हमको इतना यूजफुल नहीं लगा इसलिए हमने 18 लीटर्स वाला में स्पेंड किया। सो और भी टैंक बैग्स आते हैं, बट फॉर मी दिस वन इज़ द बेस्ट बिकॉज एक तो ये सबसे ज़्यादा चीप है, एंड ये मेरे लिए एक परफेक्ट साइज़ है। एंड बाकी क्या, बाकी अगर आप सभी को और भी इसे बाइक रिलेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एंड दिस इज़ अ हैंडी फीचर फॉर ऑल दी बाइकर्स जिनको बैकपैक बाइक चलाते समय में नहीं भूखना है। सो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क, गुड बाय। Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Saraya Digital Network channel and also hit the bell icon. Also, follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.